नोएडा की पॉश ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि आरोपी श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसी बीच रविवार शाम 8 बजे सोसाइटी के अंदर दर्जन भर से ज्यादा उपद्रवी घुस आए थे। उन्होंने जमकर बवाल काटा। इस घटना के बाद स्थानीय सांसद महेश कुमार मौके पर पहुंचे। सांसद महेश शर्मा ने इस दौरान किसी को फोन भी मिलाया। वे फोन पर ये कहते हुए नजर आए कि हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ये कहते हुए कि सरकार हमारी है। दरअसल सांसद महेश शर्मा का मोबाइल फोन पर बातचीत का वीडियो वायरल हुआ। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सिटी में उपद्रवियों के बवाल के बाद पहुंचे सांसद फोन पर किसी से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने तल्क लहजे में कहा कि मेरे फोन करने पर पुलिस आई है, मेरे जिलाध्यक्ष और हम यहाँ पर हैं। हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कहते हुए कि हमारी सरकार। वहीं सांसद महेश शर्मा फोन पर बात करने के दौरान कह रहे हैं कि पता करिए कि 15 लड़के कैसे सोसाइटी में आए, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकता। दरअसल 7 अगस्त को सोसाइटी में आकर उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। इसकी सूचना सोसाइटी वासियों ने पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची 6 और 7 लड़कों को हिरासत में लिया, जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पुलिस सभी लड़कों से पूछताछ कर रही है। सूचना मिलने पर गौतम बुद्ध नगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और नोएडा विधायक पंकज सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से बातचीत की। सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि सभी लड़के अपने साथ लाठी डंडा लेकर आए थे। उन्होंने सोसाइटी में पथराव भी किया। सोसाइटी के लोगों ने इकट्ठा होकर जमकर हंगामा भी किया, जिन्हें पुलिस ने समझा बुझा कर शांत कराया। हालांकि पुलिस ने किसी भी तरह के पथराव से इनकार किया है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर।